हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम बनाते हैं छोले, वो भी कुकर के अंदर। ना हम ओनियन की प्योरी बनाएंगे, ना हम टोमेटो की प्योरी बनाएंगे। सीधा कुकर के अंदर सब रखेंगे, 4 से 5 विसल लगाएंगे, डिपेंड करता है आपके कुकर में कितने विसल पे छोले पकते हैं। तो आइए बनाते हैं छोले कुकर के अंदर। छोले हमने कुकर में रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो जब तक हमारे छोले बॉईल होते हैं, तब तक हम बनाएंगे ब्लैक टी, और वो ब्लैक टी से ही हम उस छोले के अंदर डालेंगे, तो उसकी वजह से क्या अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो चलो बनाते हैं ब्लैक टी। तो हम बनाएंगे इसके अंदर ब्लैक टी। छोले हमारे हो रहे हैं बॉईल, थोड़ा सा हम लेंगे पानी। इतना काफ़ी है, अब हमने इसको रखना है गैस पर। गैस को कर लेते हैं स्टार्ट, थोड़ा सा स्लो करके। ये गया, कोई सी भी चाय पत्ती जो आपके घर में हो उसी को डाल लेते हैं। अब हम इसको देंगे एक अच्छा सा बॉईल, बिल्कुल चाय का कलर आना चाहिए। इसमें चीनी वगैरह कुछ नहीं डालनी, हमको सिर्फ चाय पत्ती को बॉईल करना है। और इसको हमने देनी है 4 से 5 सीटी, तब जाके हमारे छोले होंगे सही से बॉईल। ये हो चुकी है इसकी चौथी विसल, अब एक और लगाएंगे और फिर इसको कर देंगे बंद। और चाय में भी हमारा उबल आ रहा है, थोड़ा और उबल लाएंगे एंड फिर चाय को कर देंगे बंद। तो ये देखिए चाय में आ गया अच्छा सा एक उबल, पूरी एसिडिक हो चुकी है। तो ये हमको देगी अच्छा सा ब्लैक, किस कलर होता है वो इससे आएगा, ब्राउनिश ब्लैक। ठीक है, इसको कर देते हैं बंद और वेट करते हैं हमारे छोले को थोड़ा सा कुकर का प्रेशर कम हो, तो फिर इसको ओपन करके देखते हैं। तो दोस्तों, अब हमारा कुकर हो चुका है ठंडा, तब इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसा है हमारे छोले। इसको गैस से उतार लेते हैं, नीचे यहाँ पर रखते हैं, ओपन करके देखते हैं। बस तो ये हो चुका है हमारा सही से, सब गल चुका है। तब हमने क्या करना है, इन टमाटरों के छिलके निकालने। ये गर्म है तो इसके छिलके मैं इससे करके निकाल लेता हूँ। ये जो खड़े मसाले थे उसको भी हटा देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ फ्लेवर के लिए थे, उनका अभी कोई इस्तेमाल नहीं है इसके अंदर। ये एक टमाटर, इसका छिलका बाकी है, कैसे करते हैं। ये हो गया भाई सब सही से बिल्कुल। देखें छोले हमने क्या करना है, तो इसको सबको मिक्स करना है। चुका तो दोस्तों ये हो चुका है अभी सही से। अब हम क्या करेंगे, हमने जो चाय बनाई थी ना उसको डालेंगे इसके अंदर। मैं ऐसे रख देता हूँ क्योंकि ये हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ। तो
बेसिकली अब हमको करना क्या है, अब हमको छोले को इन चाय में पकाना है, उबाल लाना है। मतलब तो क्या है कि छोले उस चाय के पानी में पकेंगे और वो चाय पियेंगे तो फिर अच्छा सा टेक्सचर और फ्लेवर आ जाएगा इनके अंदर। तो आइए चलो गैस को कर देते हैं ऑन। गैस ऑन हो गया हमारा और इसको हमने रख दिए। अभी इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला, थोड़ा सा धनिया, अब इसको मिक्स करके हम तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा नहीं हो जाता। और हम चाहे तो इसको ऐसे ही खा सकते हैं बिना ऑयल के, और अगर आपको बिना ऑयल के नहीं पसंद है तो आप ऑयल का तड़का भी इसमें मार सकते हैं, अलग से तड़का बना के इसके ऊपर लगा सकते हैं तड़का। तो फिर अब लास्ट में हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो दोस्तों आखिरकार हमारे छोले हो गए रेडी बिल्कुल बढ़िया से। इसको देख के होटल की याद आ जाती है, छोलों वालों की याद आ जाती है। ये है हमारे छोले, मैंने ट्राई किए, बहुत ही बढ़िया बने। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे लगे।